चलिए, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए जुड़ जाइए फटाफट। क्या सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन गया? ये लगा दो थोड़ा। चलो, सब लोग आ गए गाइस, एकदम फटाफट जुड़ जाइए क्लास को। क्लास को एकदम शेयर करके रहना है आज किसी भी हाल में, है ना गाइस? आप सभी लोग शेयर कर दो फटाफट, जितने भी जल्दी हो सके। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जय हिंद। नवदीप भैया, कबीर भैया, बहुत अच्छा, बिग फैन सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। और आज हम लोग फिजिक्स की बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइस? तो सब लोग आ गए तो एक बार मेरे को कंफर्म करना, ठीक है? चलो, जब तक मैं शेयर कर दूं, तब तक मैं शेयर लगा देता हूं, तब तक आप लोग भी अपने अपने ग्रुप में शेयर लगा दीजिए, बहुत जरूरी है आप लोगों को शेयर लगाना, है ना? चलो जी, यस, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो शेयर है ना वो बिल्कुल नंबर वन है, दिल के सच्चे और मस्त। चलिएगा, कई एक चीज मेरे को आप लोग बताइएगा कि आप लोग का तैयारी में किसी तरह के बाधाएं कुछ तो नहीं है ना, एक बार मेरे को जरूर बताइएगा। आपके तैयारी में किसी तरह के बाधा, किसी तरह के परेशानी तो है नहीं ना, ऐसा एक बार मेरे को कंफर्म कर देना, ताकि मैं भी जान सकूं कि आपके अंदर क्या डाउट चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, वो मैं भी जान सकता हूँ ना, तो अच्छा लगेगा, और मैं भी जानूंगा तो बेस्ट ही रहेगा आपके लिए, है ना? गुड मॉर्निंग सर, सर फ्रॉम फॉर्म रात 12 बजे अपलोड हो गया। ओहो, बहुत अच्छा, तो रात को ही ज्यादा ज्यादा फॉर्म आप लोग का सबमिट किया जा रहा है, हो जा रहा है इंडियन नेवी एमआर का। लेकिन एमआर वाला फॉर्म सभी लोग अप्लाई जरूर कर देना, बहुत जरूरी है, याद रखना, ठीक है? तो चलो ठीक है, मैं क्लास को शुरू करता हूँ गाइस। जैसे कि देख सकते हैं कि डेली हम लोग का सुबह क्लास 9 बजे आ जाती है, आपको पता होगा, है ना? तो बस मैं भी शेयर लगा देता हूँ, जितने भी हमारे स्टूडेंट लोग हैं उनके बीच शेयर लगाना पड़ेगा ना, उनके बीच शेयर लगाना पड़ेगा, बहुत जरूरी है शेयर लगाना। चलो, सर प्रिपरेशन के लिए शांति नहीं मिल पा रही घर में। अच्छा, तो फिर इसके लिए उपाय कुछ क्या किया जाए, आप लोग बताइए। अगर घर में शांति नहीं मिल रहा है तो भैया उस समझो कि कहीं ना कहीं शांति जगह बनाना पड़ेगा आप सभी को, तब काम चलेगा। कहीं ना कहीं शांति जगह आप सभी को बनाना पड़ेगा, तब चलेगा काम, है ना? याद रखिएगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। चलिए, तो गई जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का एक ग्रैंड ऑफर आ चुका है आप सभी के लिए। अगर आप लोग 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा, और ये आपको 31 जुलाई तक की ऑफर रहेगा, ठीक है? ऑफर ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन गाइस, इंडिया एयरफोर्स, एक्स वाई, नेवी, एमआरएस तथा डबल ए के लिए। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 2 महीने बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा, यानी कि 14 महीने का। अगर 2 साल का लेंगे तो यहाँ पे 4 महीने का बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा, जो कि आपका ऑफर 31 जुलाई तक दोनों ऑफर रहने वाले हैं, ठीक है? इंजॉय कर सकते हैं गाइस। हम लोग का एक और बैच आ चुका है, जो कि रणभूमि NDA 2 करके बैच है, जो कि कंप्लीट बैच 2021 का, 2022 के लिए बहुत अच्छा बैच तैयार कर दिया गया है। और ये बैच आप लोग का जो है स्टार्ट हो जाएगा गाइस, आपका 21 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, इंडिया के नंबर वन एजुकेटर के साथ। हम लोग का बीए एनडीए 2022 के भी एक हम लोग का बैच आ चुका है, जो कि स्टार्ट हो गया 24 तारीख से। दोनों बैच काफी बेस्ट है, दोनों में से कोई एक बैच ज्वाइन कर सकते हो। एनडीए रिजल्ट 1500+ स्टूडेंट्स क्लियर एग्जामिनेशन यूजिंग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, ठीक है? तो बहुत ही बेस्ट है, दोनों बैच ज्वाइन करो, कोई फायदा एकदम मतलब मिलेगा, ठीक है? एकदम बढ़िया फायदा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जैसे ही जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक पे जैसे ही क्लिक कर दीजिएगा ना, तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब चूज करना है कितने महीने के लेना है, 12 महीने, 12 पे क्लिक करके अपना कोड GZT10, ये GZT10 डालना है। क्या कोड? GJAT10, ये कोड डाल के अप्लाई करके प्रोसेस टू पे करिएगा, फाइनल प्राइस यही आपको पड़ जाता है, ठीक है? तो जाइए एनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फटाफट और एंजॉय करिए, ठीक है? चलिए सवाल के ऊपर आते हैं, फटाफट देखते ही स्टार्ट करते हैं। चलिएगा,
चलिए मैं स्टार्ट कर दिया क्लास, जल्दी से आप लोग बता दो क्या हो जाएगा। एकदम साथियों दिल से एकदम आराम से बताना है, दिल और दिमाग को आराम से एकदम करके बताना है, कोई चिंता करने की बात नहीं है ना। चलिएगा लगाइए 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 एकदम आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आराम से दीजिए आंसर। देखिए आपके स्क्रीन पर जो फर्स्ट नंबर सवाल है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है किसमें, जल में, कांच में, वायु में, ग्लिसरीन में, आप लोगों को बताना होगा। स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट, वाटर, ग्लास एयर या फिर ग्लिसरीन। गाइस आपने जो जवाब दिया है बिल्कुल बहुत अच्छा, सर आप के जैसा टीचर साथ है हो तो डरना क्या, पता है आप इस बार डीवी एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत भाई बिल्कुल, देखिएगा ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, आपने जवाब जो दिया बिल्कुल फर्स्ट नंबर का टिक कर सकते हो गाइस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फाइनली बी हो जाएगा, कांच में। तो ध्वनि की गति सबसे जो आपकी तेज होती है वो आपकी कांच में होती है, ध्यान रखिएगा ठीक है। ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है, धातु, वायु, जल, इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जल्दी से आप लोग बताना क्या हो जाएगा फटाफट। सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिकतम होती है। चलिएगा बताइए बताइए बताइए, एकदम आराम से एकदम लगन से एकदम चिंता नहीं करना है, एकदम आराम से जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखिए प्यारे साथियों आपने जिस तरीके से जवाब दिया कि ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिकतम होती है, धातु है, वायु है, जल है, इनमें से कोई नहीं है, टू नंबर का जो आपने जवाब दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हो, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, धातु हो जाएगा, मेटल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत अच्छे तरीके से। अगला सवाल है कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है जल से, स्टील से, वायु में से, कांच में, वही वायु से, निर्वात से। देखो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस बहुत अच्छा है और कर लीजिएगा ना, विश्वास हो जाएगा, विश्वास आपको याद रखिएगा। ध्वनि नहीं गुजर सकती है जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से, गाइस आप लोग जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा। देखिए थर्ड नंबर का जो आपने जवाब दिया बिल्कुल आप डी को टिक कर सकते हैं, निर्वात से हो जाएगा करेक्ट आंसर, कि ध्वनि नहीं गुजर सकती है तो निर्वात से, याद रखिएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, मस्त क्वेश्चन, इस बार के लिए नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, आप लोग बता सकते हैं, वायु के घनत्व पर, वायु के ताप पर, वायु के दबाव पर, वायु की नमी पर, या फिर वायु की आर्द्रता भी कहीं कहीं दिया होता है तो उसको भी बता सकते हैं। चलिएगा सर पीडी, हाँ हाँ बिल्कुल आज कर देता हूँ सारा का सारा ठीक है। चलिएगा देखिए मेरे प्यारे साथियों, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है, तो आप फोर्थ नंबर का बिल्कुल आपने डी को टिक कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वायु की नमी पर या फिर वायु की आर्द्रता पर, याद रखिएगा ठीक है, आर्द्रता याद रखना होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है गाइस, क्योंकि कंफ्यूजन होने से कोई फायदा है नहीं ठीक है ना। क्षेत्र मापी किसके मापन के लिए किया जाता है, क्षेत्र की ऊंचाई, दिशा, सेकंड की सड़क की दूरी या फिर क्षेत्रफल, आप लोग बता सकते हैं जल्दी से बताना क्या हो जाएगा फटाफट लगाना। क्षेत्र मापी किसके मापन के लिए किया जाता है, आप लोग बता सकते हैं, चलिएगा जल्दी जल्दी बता दो फटाफट एकदम तेजी से। आ देखो लिखना कैसे आप सभी को, फाइव नंबर का सर जी ए हो जाएगा, उसके बाद लिखना है फाइव नंबर का सर जी बी, फाइव नंबर का सी, ऐसे बताना है आप सभी को। अरे यार शेयर लगाओ यार, अरे यार बच्चा कहाँ गया, अरे यार 100 बच्चा क्या और कहाँ गया, अभी 100 बच्चा कम है, अगर देखा जाए कल मॉर्निंग के अकॉर्डिंग तो कल से 100 बच्चा कम है। शेयर मारो यार, शेयर मारो, कहाँ शेयर किए हो यार, शेयर ही नहीं किए हो तुम लोग क्लास को, बच्चे नहीं आए। क्षेत्र मापी किसके मापन के लिए किया जाता है, आपने जवाब दिया पांचवें नंबर का, बिल्कुल आप डी को टिक कर सकते हैं, हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, आप बिल्कुल टिक कर सकते हो करेक्ट आंसर, बिल्कुल काफी शानदार प्रयास है एरिया ठीक है। अगला ध्वनि का वायु में वेग क्या है, 12 किलोमीटर पर सेकेंड है, 18 मिली प्रति मिनट है, 332 मीटर पर सेकेंड है, 2 × 10^10 मीटर पर सेकेंड है, लगाना जल्दी से सब। चलिएगा लगा दीजिए शेयर, लगा दीजिए शेयर फटाफट एकदम साथियों, शेयर लगा दो पूरा। ध्वनि का वायु में वेग है 12 किलोमीटर पर सेकंड है, 18 है, 332 है, 2 × 10^10 है। गाइस आपने सिक्स नंबर का जो जवाब दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हो, सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 332 मीटर पर सेकंड होता है। एक और सवाल था जो कि कंफ्यूजन कर रहा था हमको काफी देर से, कि वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, अगर लगभग पूछा जाए यहां से, देखो वायु का वेग आपका 332 मीटर पर सेकेंड हो गया ठीक है ना,
और यहाँ पे वायु में ध्वनि का वेग अगर लगभग कितना होता है, अगर लगभग में पूछ दिया जाए तो आप क्या देंगे, 330 मीटर पर सेकेंड या फिर 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड, 232 मीटर पर सेकेंड, आप लोग बताना क्या हो जाएगा। जानते हैं सवाल क्या है इसमें, ऑलमोस्ट पूछ दिया ना इसलिए मैं आपको ले लिया, नहीं तो मैं लेता नहीं सवाल को, मतलब छोड़ देता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि दोनों सवाल अगर बच्चा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फिर गलतियां लगा के आ जाएंगे, इसलिए मैंने दोनों सवाल को ले लिया। तो गाइस याद रखिएगा सवाल दोनों को, कि वायु में अगर ध्वनि का वेग अगर लगभग में पूछता है, लगभग में, और ऑप्शन में दिया है 330 मीटर पर सेकेंड, इसको टिक करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा कि ध्वनि का वेग ध्वनि का वायु में भी कितना है, तो 332 मीटर पर सेकेंड वाला टिक करके आना है, ठीक है। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब है, तापमान है, आर्द्रता है, घनत्व है, आप लोग बताना। 7वें नंबर का जवाब दे देना क्या हो जाएगा, लगा दीजिए एकदम लगा दीजिए, शेयर हो सकती, मतलब शेयर की इतना शेयर करिए कि 80 सर एकदम आपको दिल खुश कर दे आपको, है ना। देखिए गाइस आपने जवाब जो दिया बिल्कुल आपने टिक कर दिया, कि निम्नलिखित में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब है, तापमान है, आर्द्रता का है, घनत्व का है। गाइस आपने जो जवाब दिया 7 नंबर का, बिल्कुल एक और टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भैया लोग को ऐसे लिखना है आंसर, 7 का सर जी ऑप्शन ए होगा, सर जी 7 का बी होगा, ऐसे मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात को भूलिए मत, जल्दीबाजी मत करिए, आराम से लिख के दीजिए, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की परास होती है, श्रव्य तरंगे होती है, अश्रव्य तरंगे होती है, प्रश्रव्य तरंगे होती है, इनमें से कोई नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, याद रखिएगा ये 8वां नंबर, ये साउंड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, साउंड का, ये नेवी एयरफोर्स में बार बार पूछता है, इसमें का 3-4 को सवाल है भाई, कि ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की किसको सुनाई देता है, कौन सुनाई, आपको आगे कराएंगे, अभी सब मिलेगा आज। देखिए 20,000 हर्ट्ज से, अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की अगर परास होती है तो कौन सी श्रव्य होगी, अश्रव्य, श्रव्य, प्राश्रव्य, इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का जो आपने जवाब जो दिया बिल्कुल आप एक टिक कर सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल श्रव्य तरंगे हो जाएगा, बिल्कुल बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस, सवाल आज चुन चुन के लाया हूं। प्राश्रव्य तरंगे की परास क्या होती है, आपने यहाँ पे बताया कि श्रव्य तरंगे की जो परास होती है ना वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है, ठीक है ना। अगर हमसे यहाँ पे पूछ दे आपसे कि प्राश्रव्य तरंगे की परास क्या होती है, द रेंज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, 20 हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 एक्सिजेड यानी हर्ट्ज से नीचे, 2 हर्ट्ज मतलब एक्सिजेड से ऊपर, बताइए तो क्या हो जाएगा, लगन से लगाइए। नहीं 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 ऐसा नहीं होगा भैया, वॉइस प्रॉब्लम तो हो नहीं रहा होगा आप, मतलब हम बिल्कुल एकदम बिल्कुल सब चीज आज जांच करके लाए हैं आप सभी के लिए, कोई डिस्टर्ब, कभी कभी नेट इश्यू हो जाता है ना तो भैया आप कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए सवाल अगर साउंड मेरा जा रहा है, अगर चेहरा में खिचपिच कर रहा है तो कोई चिंता नहीं करना, उसे सवाल दिख रहे हैं ना आपको बस। देखिए प्राश्रव्य तरंगे की जो परास होती है गाइस, आपने 9 नंबर का जो आंसर दिया बिल्कुल आप बी को टिक कर सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, प्राश्रव्य तरंगे की जो रेंज होती है ना वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, ध्यान रखना। लीजिएगा चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, अश्रव्य, श्रव्य, प्राश्रव्य, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताना। चलिए सेरो लगा दीजिए, लगाइए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना आप लोग क्या हो जाएगा, फटाफट तेजी से बताना। चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है, अश्रव्य होती है, श्रव्य होती है, प्राश्रव्य होती है, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से लगा दो यार, एकदम मतलब यार शेयर भी करने में दिक्कत है, शेयर भी करने में दिक्कत है क्या आपको यार, मतलब ऐसे कैसे काम चलेगा यार, एक भी सिल पे तो अपने 250 शेयर आ जाने चाहिए थे, लेकिन आप लोग शेयर कर दो इतना कि ज्ञान ज्योति में आज 300 बच्चे आ जाए, इतना मेरे को टारगेट है, मेरा टारगेट 200 प्लस जरूर आ जाएगा, देखिएगा 250 प्लस। चमगादड़ की जो ध्वनि होती है वो आपकी 10 नंबर का बिल्कुल सी को टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राश्रव्य हो जाएगा, अल्ट्रासोनिक वेव होता है, चमगादड़ की ध्वनि अल्ट्रासोनिक वेव होता है। ध्वनि का तत्व किस बात पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, फ्रेक्वेंसी, तीव्रता, वेग, आयाम, आप लोग बताना क्या हो जाएगा, मस्त क्वेश्चन है भाई, एकदम नोट कर लेना आज के जो क्लास कर लिया, एक अंक ना फंसे तो फिर कहना मेरे से कि ध्वनि का तत्व किस बात पर निर्भर करता है, लगा देना मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आंसर दीजिएगा। शिवम राजपूत जी, नवीदी जी, पिंटू भैया बहुत अच्छा, प्रथमेश जी काफी बढ़िया, पाटिल जी, ध्वनि का तरत्व किस बात पर, ए एक थपड़ा मारेंगे घुलटी आ जाएगी, निकलना तसी
देखिए आपने जवाब दिया ध्वनि का तरत किस बात पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर, आयाम पर। गाइस 11 नंबर का जो जवाब दिया बिल्कुल आप एक और टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति यानी कि फ्रेक्वेंसी पर। ठीक है चलेगा, अगला सवाल है, काफी बढ़िया सवाल देते हैं आप सभी के लिए। अगला देखिएगा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में बताना है आपको कितनी होती है, 10 मीटर, 13 मीटर, 17 मीटर, 21 मीटर। आपकी क्लास में डिस्टर्बिंग नहीं होना चाहिए भाई, मैं तो जानते हो ना भाई, मतलब कि अगला वाक्य आप सामने अब खड़ा आ गया, मतलब यार मैं पढ़ा रहा हूं तुम मजाक कर रहे हो आगे, ठीक है ना। देखिए आपने जवाब दिया कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। आपने 12 नंबर का जो जवाब दिया बिल्कुल सी को टिक कर सकते हैं, 17 मीटर। ठीक है 17 मीटर होनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना होगा किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं। अरे यार लगा दो शेर मेरे शेरो, ओ मेरे शेरो, कम से कम अपनी साथी को तो बुला दो, करण और अर्जुन को, करण और अर्जुन को तो बुलाइए, अपने कितने 250 जो कल आए थे ना वही बुलाइए ना, 250 है ना, शेयर लगा दो, शेयर लगा दो साथियों के साथ, शेयर लगा दो। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती है, आपने 13 का जो जवाब दिया बिल्कुल बी को टिक कर सकते हैं, अनुदैर्ध्य हो जाएगा, बिल्कुल बी इज करेक्ट आंसर गाइस, याद रखना, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुप्रस्थ तरंगे का संचरण होता है केवल द्रव्य में, केवल गैस में, केवल ठोस में, ठोस एवं द्रव्य एवं गैस तीनों में, बताना क्या हो जाएगा। ये जानते हो टॉपिक कौन सा है आज, साउंड, साउंड के ज्यादा आज क्वेश्चन लाया हूं आपको, जिसको बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि याद रखना कितना महत्वपूर्ण है, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही क्लास तो लेवर करूंगा साउंड का, बहुत मुश्किल से क्वेश्चन को छांट छांट के लाया हूं, अगर इसका महत्व नहीं दीजिएगा ना तो आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे का संचरण होता है केवल द्रव्य में, केवल गैस में, केवल ठोस में, ठोस एवं द्रव गैस तीनों में। गाइस आपने 14 नंबर का जो जवाब दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं, 14 नंबर का हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, केवल ठोस में होता है अनुप्रस्थ तरंगे का संचरण। अगला लीजिएगा, अनुदैर्ध्य तरंगे का संचरण कहाँ होता है भैया, कुछ लोग गड़बड़ा गए थे कि सर जी अनुप्रस्थ तरंगे का संचरण केवल ठोस में होता है, लेकिन कुछ लोग अनुदैर्ध्य तरंगे का संचरण वाला आंसर दे रहे थे, केवल द्रव्य में, केवल ठोस में, केवल गैस में, ठोस द्रव एवं गैस तीनों में। जल्दी से बताना, जरूर बताना क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, लगा दीजिए। और कितनी कमी है, 65, 75, 30, 35 को बच्चन को और कमी है 200 प्लस करने की, बस अब हो जाएगा, मेरे को उम्मीद है इतना आप लोग करके दिखाओगे। देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे का संचरण जो होता है केवल द्रव्य में, केवल गैस में, केवल ठोस में, ठोस द्रव्य एवं गैस तीनों में। गैस आपने 15 नंबर का जो जवाब दिया बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों सवाल याद रखिएगा, भूलिएगा कभी मत कि अनुदैर्ध्य तरंगे का जो संचरण होता है वो तीनों में होता है, ठोस द्रव्य एवं गैस तीनों में होता है। अगर पूछा जाए कि अनुप्रस्थ तरंगे का संचरण क्या होता है तो केवल ठोस में, ओनली फॉर सॉलिड होता है, ठीक है, ओनली ऑन सॉलिड। नेक्स्ट, तरंग गति के कण में महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, कला कहते हैं। मस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 में पूछा गया सवाल है आपके नेवी और एयरफोर्स दोनों में, कि तरंग गति के कण में महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, बताना 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 मेरे प्यारे साथियों, लगा देना आंसर आप लोग क्या देने वाले हैं, लगा दीजिए एकदम जोश के साथ, लगा दीजिए, कोई चिंता करने की बात नहीं है। देखिए तरंग गति के कण में, गति के कण महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं, कला कहते हैं। 16 का जो आपने जवाब दिया बिल्कुल आप एक टिक कर सकते हैं, आयाम क्या हो जाएगा, आयाम याद रखिएगा, आयाम कहते हैं गाइस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मेहनत करके लाया हूं। भूकंपी तरंगे उदाहरण है, द्रव्य तरंगे का है, आयांत्रिक तरंगे का है, आयांत्रिक तरंगे का है या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग बता सकते हैं कि भूकंपी तरंगे का उदाहरण आप लोग बताइएगा, द्रव्य तरंगे का, अयांत्रिक तरंग का या फिर यांत्रिक तरंग का या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से टिक करना, फटाक से की लगाना गई 17 नंबर का, लगा दीजिए, लगा दीजिए अपने शेयरों के साथ, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। हाँ जी बिल्कुल, हेलो सर नेवी हमारे के लिए करा दूंगा बिल्कुल करा दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए सब, धीरे धीरे में, अभी तो 5 से 7 दिन मेरा क्लास स्टार्ट किया, अभी चलने दिए, 1 महीने में तो आपको बना दूंगा स्प्रिंग, स्प्रिंग जैसा काम करेंगे आप लोग।
देखिए भूकंपी तरंगे का उदाहरण जो है 17 नंबर का बिल्कुल आप सी को टिक कर सकते हैं, हो जाएगा यांत्रिक तरंगे, हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर गाइस, बिल्कुल सी हो जाएगा। फाइनली आपने आंसर दिया, थैंक यू सो मच। एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगे की चाल क्या होती है? समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, निर्धारित नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, आप जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। लगाना लगाना, कोस्ट गार्ड के लोगो नहीं दिख रहा है क्या? इसके भैया उस पे लोगो आपको नहीं दिख रहा क्या? किसके किसके लिए आपके क्वेश्चन है ये? स्क्रीन पर नहीं देखते क्या? सबसे टॉप में आप लोग टॉप पे ध्यान नहीं देते हैं क्या कि ये सवाल किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सर जी ने किसके लिए बनाया है इतना मेहनत करके? तो एक ही माध्यम में अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगे की जो चाल होती है 18 नंबर का बिल्कुल आप भी कोटि कर सकते हैं करेक्ट आंसर। काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया, भिन्न भिन्न होती है, याद रखना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों। अगला, सामान्य बोलचाल में ध्वनि स्तर होता है कितना, बताना। ओ मेरे प्यार के साथी जल्दी से लगा दो एकदम, मतलब लगा दो शेयर, इतनी शेयर लगा दो कि आज 300 बच्चे आ जाएं एकदम आराम से, 300 शेयर तो आ जाएंगे मेरे को तो पता है आज भी। सामान्य बोलचाल में ध्वनि स्तर होता है 10 डेसिबल, 30 डेसिबल, 5 डेसिबल, 90 डेसिबल, आप लोग बताइए। द रेंज ऑफ नॉर्मल स्पीचेस, बताना क्या हो जाएगा फटाफट। हैं काशी के इक्के दे लगा बढ़ क्यों भाई? ये माइनस हुआ डीएम पैसा हर महीने 100 रुपये, देखिए पड़ी हिसाब करनी पड़ी। चलिए सामान्य बोलचाल में ध्वनि स्तर होता है, आपने 19 का जो जवाब दिया बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, 19 नंबर का बिल्कुल भी उस हो जाएगा करेक्ट आंसर। 30 डेसिबल सामान्य जो होता है, नॉर्मल अगर हम बात करें तो ठीक है। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तापमान से, दाब से, द्रव्य से, या फिर इनमें से कोई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रीवियस क्वेश्चन नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आने के इस बार चांसेस 200% है, याद रखना 200% है कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तापमान से होता है, दाब से होता है, मेरे को दो में से ही बता देना आंसर क्या देंगे, लगाइएगा आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉमेडी अनलिमिटेड भाई, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लगाइए आंसर क्या हो जाएगा। देखिए चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? तापमान से, दाब से, द्रव्य से, इनमें से कोई नहीं। आपने 20 नंबर का जो जवाब दिया बिल्कुल आप गाइस टिक कर सकते हो, बी हो जाएगा, यानी हो जाएगा प्रेशर, बी इज करेक्ट आंसर गाइस, बिल्कुल आपने सही से जवाब दिया, काफी बढ़िया। तो चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आपने बिल्कुल सही से जवाब दिया। अगला, त्रिड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम के, ये सभी आप लोग बताना। त्रिड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम के, ये सभी के, बताना क्या हो जाएगा, लगा देना रंग देना बढ़िया से मेरे साथियों। अच्छा त्रिड़ित चालक का आविष्कार भी किसने किया था, अगर पता हो तो ये भी बताना। दोनों तीनों ये सवाल इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है सवाल कि चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, तो दाब से होता है, प्रेशर से, और त्रिड़ित चालक बनाए जाते हैं किससे, लोहे के, तांबे के, एल्यूमिनियम का स्वर्गत है यार, रैट बन करा यार कमाल। देखिए अरे हिन्ने से लाइट मारे लानू हैप्पी स्क्रीन पे। देखिए त्रिड़ित चालक बनाए जाते हैं लोहे के, तांबे के, एल्युमिनियम के, ये सभी। आपने 21 का जो आपने जवाब दिया बिल्कुल बी को टिक कर सकते, हो जाएगा तांबे के, ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगे का निर्धारण किस आधार पर होता है? संपीड़न के आधार पर, विरल के आधार पर, ध्रुवण के आधार पर, व्यतिकरण के आधार पर, ये तीनों चारों सवाल रट लेना, इस बार के लिए रामबाण रहेगा आप सभी के लिए, चलेगा। सर फ्रैंक, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगा दो शेयर। और कितने बच्चे चाहिए? और 30 से 32 स्टूडेंट चाहिए बस, उसके बाद तो आप लोग तो बहुत अच्छा किए। देखिए अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगे का निर्धारण किसके आधार पर होता है? गाइस आपने 21 का जो जवाब दिया है बिल्कुल आप बी को टिक कर सकते हो, करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, विरल के आधार पर होता है मेरे प्यारे साथियों, याद रखना होगा, ठीक है चलेगा। ठीक है दोनों तीनों सवाल देख लेना, नेक्स्ट। अरे भागा भागा, कोई चिंता नहीं करेगी, भागा अभी तो खूब भागने में मजा आता है ना, एग्जाम में इसी होगी ना ऐसी की तैसी कि फिर कहोगे कह रहे सर जी गलती हो गया, थोड़ा सा कोई 15 दिन में ऐसा कोर्स कराओ ना जो कंप्लीट हो जाए। बहुत सर मैंने एक देखा था सर जी को, कोई जो टॉप तक बनाया चैनल राहुल देसवाल सर के बता रहे थे, उसके बाद बहुत सारे लोग नीरज सर बता रहे थे कि यार कोई ऐसा बच्चे कहते हैं कि 10 दिन में कोई है घोल जो कि पिलाने के एग्जाम क्लियर हो जाए। रामदेव बाबा का बुट्टी थोड़ी ना है कि पिला देने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगा, इस बुट्टी को पीने के लिए 6 महीने रगड़ना पड़ेगा तब जाके सिलेक्शन लोगे,
वो भी कंफर्म नहीं है, किस तरह से आप स्टडी कर रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस तरीके से डिपेंड करोगे कि पढ़ाई अपने 10 लोग आया 10 लोग भाग गया, तो वैसे काम थोड़ी नहीं चलता है, बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स निकल जाएगी दिमाग से ना, मजा आ जाएगा, चलेगा चलेगा। आगे देखिएगा, व्यतिकरण की घटना का कारण है कालांतर है, आवृत्ति में परिवर्तन है, वेग में परिवर्तन है, तरंग दैर्ध्य है। आप लोग बताना क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर देना, चलेगा चलेगा। 200 तो आ ही जाएंगे जहां तक मेरे को लगता है, जब 40 होगा ना, जब आपकी घड़िया में 9:40 होगा, तो मेरे को 40:45 पे विश्वास है। नहीं आया तो देखते हैं क्या करेंगे, कल से करेंगे क्या, चलेगा। आएगा सुबहिया पढ़ेगा, नहीं आएगा सुबहिया अपना घूमेगा। व्यतिकरण की घटना का कारण है कालांतर, आवृत्ति में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, तरंग दैर्ध्य। आपने 22 का आपने जवाब दिया, बिल्कुल एक को टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा कालांतर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, द्रव्य तरंगों का, यांत्रिक तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, अनुप्रस्थ तरंगों का। आप लोग लगा दो एक बार जल्दी, आंसर क्या हो जाएगा, चलेगा एंड्रॉइड एप्लीकेशन, चलेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छे तरीके से आप लोग जवाब देंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, द्रव्य तरंगे का, यांत्रिक तरंगे का, विद्युत चुंबकीय तरंगे का, अनुप्रस्थ तरंगे का। आप लोग बताना क्या हो जाएगा, फटाफट लगा देना आंसर क्या हो जाएगा, चलेगा बिल्कुल बिल्कुल। भाई भाई पढ़ो भाई, तुम कार्टून एंटरटेनमेंट पढ़ो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, परसेंटेज पे मत जाओ, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। देखिए आपने जवाब जो दिया, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, आपने 23 नंबर का जो जवाब दिया है, बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल टिक कर देना, विद्युत चुंबकीय तरंगे हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल चलेगा नेक्स्ट। चलिए, जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहती है, तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति, उपयुक्त सभी। आप लोग बताना कि जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहती है, आप लोग बताना। बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा सवाल है, लगा दीजिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा फटाक से, की मतलब कुछ भी कहो, लगाइए आंसर, शेयर मारो शेयर मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जी, शेयर करो, कम से कम 250 का तो भाई टारगेट तो आज पूरा ही करके ही रहेंगे। देखिए गाइस, आपने जवाब जो दिया, जब तरंगे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहती है, अनचेंजेड रहती है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24 नंबर का, टिक कर सकते हो, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति, 24 का सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेक्वेंसी। तरंगों का निम्नलिखित में से कौन सा गुण दूसरे से स्वतंत्र है, वेग, अनुदैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति, आप बताना क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, तरंगों का निम्नलिखित में से कौन सा जो गुण है वो दूसरे से स्वतंत्र है, आजाद है, बताना। चलो 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 चलो, शेयर लगा दो शेयर लगा दो भाई, 70%, हाँ आ जाएगा भाई, आ जाएगा आ जाएगा, पढ़ाई करो। देखिए, तरंगों का निम्नलिखित में से कौन सा गुण दूसरे से स्वतंत्र है, वेग, अनुदैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति। आपने 25 का जो जवाब दिया, बिल्कुल आप एक टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग, ठीक है, वेग आप बिल्कुल टिक कर सकते हो, करेक्ट आंसर ए इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं साथी, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, पीछे पूछा था ना कि तड़ित चालक एक किससे बनता है, ऐसे मैंने करके भी पूछा था, उसके बाद पूछ दिया कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया, ग्राहम बेल, लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन आइंस्टीन, आप बताना क्या हो जाएगा, लगा दो शेयर यार। चलो भाई चलेगा, चलो देखिए, आपने देखिए,
देखिए गाइस, आपने जवाब जो दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं कि तड़े चालक का आविष्कार किसने किया था। 26 नंबर का जो आपने जवाब दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हो, सी इज करेक्ट आंसर गाइस। यानी कि आप बोल सकते हो आराम से बेंजामिन फ्रैंकलिन हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा इस, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये सभी है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, सवाल 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 कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण जो है वो कौन कौन सा है, विद्युत हीटर है या फिर नहीं है, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सभी। तो आप लोग आंसर इसका बताइए कि आप लोग आंसर क्या देने वाले हैं, जल्दी से टिक कर देना। चलेगा, आ जाएगा आ जाएगा नवदीप भाई, बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना, एकदम चिंता नहीं करना है। चलेगा चलेगा चलेगा, कोई चिंता करने की बात नहीं, आराम से जवाब दीजिए, एकदम आराम से दीजिएगा, है ना। चलेगा, देखिए गाइस, आपने जवाब जो दिया है जिस तरीके से काफी अच्छे अपने प्रयास किया, काफी बढ़िया प्रदर्शन किया कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण जो है वो आपका 27 नंबर का बिल्कुल टिक कर सकते हो, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। देखिए भाई, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित सब चीज है ना, घरेलू उपकरण, विद्युत हीटर भी है, विद्युत बल्ब भी है, ट्यूबलाइट भी है, तो ये सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेगा, व्यतिकरण की घटना होती है केवल अनुधारित तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुधर और अनुप्रस्थ दोनों में, इनमें से कोई नहीं, आप जल्दी से बता देना क्या हो जाएगा फटाक से की आंसर, जल्दी से टिक करना। अरे लगा दे भाई अपनी शेयर, मैं क्लास ले रहा हूँ। ओके ओके ओके, शेयर लगाओ भाई, 200 की 50 को लोगों की नीड है, 50 लोगों की नीड है भाई, 50 लोगों की नीड है। व्यतिकरण की घटना होती है केवल अनुधैर्य तरंगे में, केवल अनुप्रस्थ तरंगे में, अनुधैर्य और अनुप्रस्थ दोनों में, इनमें से कोई नहीं। गाइस 28 नंबर का आप लोग जवाब देना क्या हो जाएगा फटाफट लगाइए। देखिए व्यतिकरण की घटना होती है, आपने जवाब जो दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हो, 28 नंबर का बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर दिया गाइस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुधैर्य और अनुप्रस्थ दोनों में हो जाएगा। व्यतिकरण की घटना जो होती है ना वो अनुधैर्य और अनुप्रस्थ दोनों हो जाती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आज के सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। विस्पंद की क्या है, विस्पंद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों में होती है, बताना। चलिएगा जल्दी से बताना। चलिए जल्दी से बताना आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा। चलिएगा, देखिए विस्पंद की उत्पत्ति ध्वनि तरंगों में जो होती है, प्रवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, अनुनाद के कारण, व्यतिकरण के कारण। आपने 29 का जो जवाब दिया बिल्कुल आप डी को टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, व्यतिकरण के कारण हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया हूं, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा। संतुष्ट क्या क्या सुस्पष्ट है, विस्पंद सुनने के लिए दो तरंगों की आवृत्ति बराबर होनी चाहिए, काफी भिन्न भिन्न होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई। साउंड का सबसे मस्त क्वेश्चन, ये भी साउंड का सबसे मस्त क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। सुस्पष्ट है, विस्पंद सुनने के लिए दो तरंगों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, काफी भिन्न भिन्न होनी चाहिए, या फिर लगभग समान, या फिर लगभग क्या, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं तो जल्दी से टिक कर देना क्या हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब भैया, अब मैं आप लोग से क्या बोलूं, अब आप लोग दिखा रहे हैं कि हम इतना डिसलाइक कर रहे हैं 12 को, तो क्या अब क्या फर्क पड़ेगा, मतलब डिसलाइक ही कर दोगे तो क्या, मतलब अब कहेंगे तो बुरा भी लगेगा, कहेंगे तो बुरा भी लगेगा, लेकिन कह नहीं सकता, ये सोशल मीडिया है ना। देखिए सुस्पष्ट विस्पंद सुनने के लिए दो तरंगों की आवृत्ति होती है, आपने जब लास्ट में, लेकिन इन लोगों के लिए एक अच्छा कहूंगा चीज है, ये 12 लोगों के लिए इतना मस्त चीजें कहूंगा ना, मजा आ जाएगा। देखिए सुस्पष्ट विस्पंद सुनने के लिए दो तरंगों की आवृत्ति जो होती है, आपने 30 नंबर का जो जवाब दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग समान होती है, ठीक है गाइस। आगे बढ़िएगा, अगला लीजिएगा, ऊर्जा नहीं ले जाई जाती है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों द्वारा, अनुधैर्य प्रगामी तरंगों द्वारा, अप्रगामी तरंगों द्वारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा, जल्दी से आप लोग बताना फटाफट आंसर देना। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक सोलंकी जी बहुत अच्छा, पप्पू जी, राहुल जी बहुत अच्छा, लगाइए आंसर। देखिए आपने जवाब जो दिया कि ऊर्जा नहीं ले जाई जाती है अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों द्वारा, अनुधैर्य प्रगामी तरंगों द्वारा, अप्रगामी तरंगों द्वारा, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा,
तो आपने 31st का जो जवाब दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अप्रगामी तरंगों द्वारा। सी इज करेक्ट आंसर गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया, काफी शानदार आंसर दिया है। अगला, ध्वनि तरंगे के अध्यारोपण से निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? विस्पंद है, व्यतिकरण है, अप्रगामी तरंगे है, विवर्तन है, आप लोग जल्दी से बताना। चलो भाई आप देखो यहाँ से 35 से ना आपकी एकदम मस्त क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना इसके बाद देखना अगला सवाल जो कितनी शानदार आएगी। चलिए देखिए, ध्वनि तरंगे के अध्यारोपण से निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? आपने जवाब दिया जो 32 का जो आपने जवाब दिया कि बिल्कुल आप डी को ठीक कर सकते हैं, विवर्तन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तारा के ताप और रंग के बीच का संबंध प्राप्त होता है प्लैंक नियतांक से, वीन का विस्थापन का नियम से, हब्बल का नियम से, इनमें से कोई नहीं। भागने से कोई फायदा नहीं है, याद रखना 55 सवाले में मैं बार बार ये चीज कहता हूँ, अगर 20 सवाल भी अगर तुमको भारी लगता है, लंबा लगता है, तो तुम्हारे पास 35 सवाले लेफ्ट है, 35 सवाले तुम्हारी लाइफ को बना सकती है, लेकिन ना समझने वाले अब क्या करोगे। तारा के ताप और रंग के बीच का संबंध प्राप्त होता है प्लैंक का नियम है, वीन का विस्थापन का नियम है, हब्बल का नियम है, इनमें से कोई नहीं, आप लोग बताना क्या हो जाएगा। चलो चलिएगा, देखिए गाइस आपने जवाब दिया जिस तरीके से, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। ये कौन है भाई, ये कौन है? तारा के ताप और रंग के बीच का संबंध जो प्राप्त होता है वो 33 का जो आपने जवाब जो दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या आपने दिया गाइस, बिल्कुल 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 ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लैंक का नियम हो जाएगा, प्लैंक का नियम हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखना। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? विलियम्स हार्वे ने, या फिर लैंड स्टीनर ने, या फिर पोलोव ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से शेयर लगा दो साथियों अपने दोस्तों के साथ, जल्दी से फटाफट शेयर लगा दो, कम से कम 200 एस्पिरेंट के बीच लगाइए अपनी शेयर, लगा दीजिए अपनी शेयर एक बार 200 बच्चों के बीच। देखिए प्यारे साथियों, आपने जवाब दिया कि रुधिर वर्ग की, आपने जो जवाब दिया है कि रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? विलियम्स हार्वे ने, लैंड स्टीनर ने, पोलो ने, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो गाइस आपने जिस तरीके से आपने जवाब दिया है, आप 34 का जो आंसर दिया बिल्कुल आप ठीक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैंड स्टीनर ने रुधिर वर्ग की खोज की थी। ठीक है आगे, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, जल में, निर्वात में, लोहा में, आप लोग बताना होगा जल्दी से, आप लोग के आंसर देने वाले हैं कि स्पीड ऑफ साउंड हाइएस्ट इज, बताना किसमें, वायु में होता है, जल में होता है, निर्वात में होता है, लोहा में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, जल्दी से बता देना आप लोग क्या देंगे, लगाना आंसर क्या हो जाएगा। सर एग्जाम के कितने, हाँ हाँ बिल्कुल 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 एकदम लग रही है, बढ़िया क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं। संदीप जादव भाई सर कोस्ट गार्ड का इंग्लिश क्लास चलाओ सर, भाई मैं इंग्लिश का क्लास नहीं चलाता सर, इंग्लिश से नहीं, बस मैं बाकी और कुछ बाकी सब चीज मैं करा देता हूँ, इंग्लिश नहीं कराता। ठीक है देखिए गाइस, आपने जिस तरीके से आपने जवाब जो दिया काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया है, बहुत अच्छे तरीके से, काफी अच्छा लगा गाइस आपने प्रयास जो किया जिस तरीके से, काफी शानदार प्रयास है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है वायु में, जल में, निर्वात में, लोहे में, 35 नंबर का आंसर टिक कर सकते हो, ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहे में। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अगला सवाल लीजिएगा। वायु में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है दाब पर, ताप पर, घनत्व पर, आर्द्रता पर, बताना क्या हो जाएगा, आंसर देना, कोई चिंता नहीं करना है, एकदम कोई चिंता नहीं करना है, एकदम आराम से देना है ना। चलिए बिल्कुल 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 जी हाँ, देखिए गाइस आपने जवाब दिया कि वायु में ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है दाब पर, ताप पर, घनत्व पर, आर्द्रता पर, गाइस आपने जवाब जो दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हो, 36 नंबर का फाइनली हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 36 का ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेशर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेशर कि वायु में ध्वनि की चाल निर्भर करती है प्रेशर पर, याद रखिएगा। अगला सवाल लीजिएगा कि प्राध्वनिक वायुयान उड़ाते हैं ध्वनि की चाल से कम चाल पर, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर, ध्वनि चाल से बराबर चाल पर, प्रकाश की चाल पर, जल्दी से बताना क्या हो जाएगा, जल्दी से आप आंसर टिक कर देना क्या हो जाएगा। चलिए लगाना आंसर भैया,
हाँ कोस्ट गार्ड का आप मुको, मैं मैच चला सकता हूँ। मैच चला क्या, मैथ में स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्द। मैथ्स होगा, उसके बाद रीजनिंग होगा, उसके बाद आपका साइंस में करा ही रहा हूँ प्रीवियस आजकल, और जीके होगा। ये चार सब्जेक्ट आपको मैं खूब बढ़िया से पढ़ा दूंगा, जो कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है ना? चलेगा। देखिए प्राध्वनिक वायुयान उड़ाते हैं, आपने जो जवाब दिया 37 नंबर का, बिल्कुल आप ठीक कर सकते हो। करेक्ट आंसर बिल्कुल भी हो जाएगा, करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक चाल, ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर होती है प्राध्वनिक वायुयान, ठीक है? याद रखिए प्राध्वनिक वायुयान उड़ते हैं तो ध्वनि के चाल से अधिक चाल पर उड़ते हैं, ध्यान रखना। मूलीय दाब किससे मापा जाता है, मूलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर, एटमोमीटर, मैनोमीटर, एक्सोनोमीटर, आप लोग बताना क्या हो जाएगा, लगाना भैया। आज तो गजब का हो गया यार क्लास में, यार सीने गजब बदल गया ना, 200 आया उल्टे में, कैसे पढ़ेगा सब हो। अरे घिस ले भाई, ये सब जो आप लोग डिसलाइक किए हो घिस ले भाई, तुम लोग घिसेगा तो तुमको पास करा दूंगा। देखिए कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, अगर दिल अगर खुश रहता है इसमें तो कर सकते हो, कोई और दो चार और मार दोगे तो बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अब देखो हम तो अपना काम कर रहे हैं गाइस, क्या गाइस आप लोग अपना काम कर रहे हो, आप लोग जिस जो आपको जो आपके जो आज देखो होता क्या है ना कि जिस घर में आप पले हैं पोषे हैं, तो आप लोग की जो फैमिली है ना, अब मतलब तो अब देखना पड़ेगा भाई उनके घर में शिष्टाचार कैसा है, उनके घर में शिष्टाचार कैसा है, आपके घर में शिष्टाचार कैसा है, तो सब चीज अलग चीज हो जाता है ना। तो कोई चिंता करने की बात नहीं, अब देखो किसी का होता है भाई सही नहीं लगे तो बिल्कुल करेंगे भाई डिसलाइक, इसमें कोई चिंता करने की बात भी नहीं। लेकिन आज एक्चुअली में सोचने वाली बात है थोड़ा, ठीक है? मूलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से, एटोमोमीटर से, या फिर मैनोमीटर से, ऑक्सीनोमीटर से, आप बताना क्या हो जाएगा। मतलब डिमोटिवेट करते हो आप लोग बस, अब मेरे को पता है कि सब खींचोगे तुम लोग ही। देखिएगा मूलीय दाब किससे मापा जाता है, बैरोमीटर, एटमोमीटर, या फिर मैनोमीटर, ऑक्सीनोमीटर। गाइस 38 नंबर का जो आपने जवाब जो दिया बिल्कुल आप ठीक कर सकते हो, 38 नंबर का बिल्कुल आपने सही से जवाब दिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सोनोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल लेना और जल्दी से बताना, अत्यधिक ताप क्रम मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। मस्त क्वेश्चन है, अभी सब सवाल का जोड़ा है भैया, नोट कर ले, नहीं सब सवाल का चलेगा। विद्यार्थी कोई बात नहीं, बिने भाई बहुत अच्छा, लिसे साहू भाई बहुत अच्छा, लगे रहिए एकदम बढ़िया, रविचंद्र जी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। देखिए प्यारे साथियों, आपने जिस तरीके से आपने जवाब दिया कि अत्यधिक तापक्रम मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, पायरोमीटर, पायरोस्कोप, या फिर पायरोनोमीटर, या फिर पायक्नोमीटर, आप लोग बता सकते हैं जल्दी से इसका जवाब क्या हो जाएगा। चलेगा जल्दी जल्दी जवाब दे दो फटाफट, 200 बीचों की एकदम शेयर कर दो, लगा दो एकदम, अभी भी 200 आने के लिए एकदम रेडी है, मेरे को पता है। अत्यधिक ताप क्रम मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, पायरोमीटर, पायरोस्कोप, पायरोनोमीटर, या फिर पैक्नोमीटर। तो गाइस 39 का जो आपने जवाब दिया बिल्कुल एक को टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा पायरोमीटर, पायरोमीटर आप बिल्कुल टिक कर सकते हो, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जुनून लगा लोगे ना भैया सिलेक्शन की ओर, आपकी जॉब पक्की हो जाती है, एक बार खाली जुनून लगा दो कि सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेना। आकाश भैया कर देता हूं, चलो यदि तरंग लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो, एकदम बिल्कुल डिमोटिवेट कर दिया भाई बच्चा ने, क्लास में लगता है कि डिमोटिवेशन हो गया, ऐसा हो गया कि भाई मैंने कोई सोचा भी नहीं था। देखिएगा यदि तरंग लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल आधी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है, चार गुणी हो जाती है। 40 नंबर का आप लोग जवाब देना, आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं, आप लोग बताना जल्दी से बताना, 40 नंबर का आंसर देना। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपने जो जवाब दिया है कि आपने जो आंसर दिया बिल्कुल आपने ठीक कर दिया कि यदि तरंग लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी, आपने इसे जवाब दिया है बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। 40 का हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर गाइस, ऑप्शन बी हो जाएगा, दुगनी हो जाएगी, याद रखिएगा। यदि तरंग लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि की जो चाल हो जाएगी वो आपकी दुगनी हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सुरीला स्वर देता है, खुला आर्गन पाइप, बंद आर्गन पाइप, स्वरित्र त्रिभुज, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सुरीला स्वर देता है? गाइस आपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सुरीला स्वर देता है? खुला आर्गन पाइप है, बंद आर्गन पाइप है, स्वरित त्रिभुज है, द्विभुज है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो 41 का बिल्कुल आप टिक कर सकते हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुला आर्गन पाइप हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिएगा, ओपन आर्गन पाइप याद रखना। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? कीट का, चींटियों का, या फिर क्रस्टेशियाई का, या फिर अर्थ्रोपोड्स का? आप लोग बता सकते हैं, जल्दी से टिक कर देना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? कीटों का, चींटियों का, या फिर क्रस्टेशियाई का, या फिर अर्थ्रोपोड का? मैं कुछ और देख रहा था इसमें। अच्छा, चींटी के काटने से एस्कॉर्बिक फॉर्मिक एसिड या फिर कौन सा उसमें से निकलता है ना, मैं वो चीज देख रहा था, है ना? अभी भी शेयर मारो, अभी भी शेयर मारो, शेयरों, अरे शेयर मार दो यार, शेयर लगा दो, शेयर लगा दो, शेयर लगा दो, 200 बच्चे के, 200 बच्चों के बीच शेयर लगा दो। फर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है? आपने 42 का जो आपने जवाब दिया, बिल्कुल आप गाइस यहाँ पे टिक कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चीटियो। देखो अच्छा, चीटी में कौन सा आप लोग देखे होंगे, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है ना भैया रंजन सिंह, बहुत अच्छा। फॉर्मिक एसिड आपका चीटी जब काटती है तो फॉर्मिक एसिड के कारण वो देखते हैं, ठीक है? तो आप लोग बिल्कुल बी को टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बंद आर्गन पाइप से उत्पन्न सभी अधिस्वरक सम होते हैं, विषम होते हैं, सम और विषम दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताना, फटाफट बताना, लगाइए आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आंसर देना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सर सभी के, मेरे साथियों को गुड मॉर्निंग रहेगा आप सभी को। चलिएगा देखिए, बंद आर्गन पाइप से उत्पन्न सभी अधिस्वरक सम होते हैं, विषम होते हैं, सम और विषम दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं? 43 का जो आपने जवाब जो दिया, बिल्कुल आप बी को टिक कर सकते हैं, करेक्ट हो जाएगा, विषम होते हैं, याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? का सुजत बड़ा कि ये वो सवाल अगर पूरा लगत है कि जानते हो क्या हो गया है बच्चों को, बड़ी मुश्किल हो गया भाई पढ़ाना यार, कैसे पढ़ेंगे? माय गॉड, लगा ले भाई, लगा ले, याद रखना, लगा ले, लगा ले, कोई चिंता नहीं है, लगा ले, तेरी तेरी जितनी भी औकात है। तू देख भाई, मैं बता दूं, मतलब 18 डिसलाइक करने वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तू डिसलाइक किए तो बहुत ज्यादा खुश है ना, तू ऐसा कभी दुखी हो गया ना, तू ऐसा कभी दुखी होकेगा, याद रखनी इस वचन को, वचन को, ऐसा कभी दुखी हो गया ना तो तू रोएगा पक्का, याद रखना पक्का, इतना कन्फर्म है तेरे को पारद, क्योंकि मैं यार इतना मेहनत करके अगर कोई टीचर यार इतना बढ़िया कराता है और एक ही पे इतना कोई बात बात पे कोई कर दे, तो इस बात को ध्यान रखना अपने लाइफ में, इतना रोएगा ना, तड़पेगा। चल भाई, लास्ट यही कहना था। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फर्नहाइट है, न्यूटन है, गैलीलियो है, प्रिस्टले है। गाइस आपने जवाब दिया, आपने 44 नंबर का बिल्कुल ठीक कर सकते हो, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्नहाइट हो जाएगा। कि पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्नहाइट। आपने बिल्कुल सही से जवाब दिया। किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, शून्य हो जाती है? आप बता देना जल्दी से जवाब क्या होना, जल्दी से बताना, फटाफट बता। चलिएगा देखिएगा, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, शून्य हो जाती है? गैस आप लोग जल्दी से आंसर बता देना क्या हो जाएगा फटाफट। चलेगा चलेगा देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपने जिस तरीके से आपने जवाब दिया है, काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया, किसी चक्रीय प्रक्रम में गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, शून्य हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, 45 नंबर का जो आपने जवाब दिया, बिल्कुल आप सी को टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा, नियत रहती है, ठीक है? नेक्स्ट, 1 एम्पीयर का मान क्या होता है बताना, तो मेरे साथियों बताना, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, लगन से लगाना, कोई चिंता करने की बात नहीं है।
दिखा के मेरे को कोई काम मत कर, मतलब देखो दिखा रहे, एक और आगे कोई मुझे पता है उसमें एक और दिखा रहा है कि हम भी आ गए बेटा, इतनी तेज फेंकाएगा ना लाइफ में पता नहीं चलेगा तेरे को। देखिए एक एम्पियर का मान होता है, आपने 46 का जो जवाब दिया बिल्कुल एक उल्टी कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 10^10 मीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, बिल्कुल आपने टिक कर दिया। आयाम है सदिश राशि, टेंसर अदिश राशि, कोई नहीं आप बताना क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक कर देना, फटाफट टिक कर देना। आयाम है सदिश राशि, टेंसर अदिश राशि या फिर कोई नहीं आप बताना, जरूर से बताना। चलो चलो आ चुके हमारे शेर, शेर तो बहुत मस्त आए हैं यार आज भी क्लास में, बहुत आप लोग इतना ज्यादा खुश रखते हो, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने पे ही ज्यादा है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। चलेगा, आयाम है आपको बताना होगा, जल्दी से टिक कर देना होगा गाइस, क्या हो जाएगा जल्दी से चेक करना, बताना आपसे। देखिए आयाम है सदिश यादिश राशि, आपने 47 का जो जवाब दिया जिस तरीके से, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयाम आपका भैया जी क्या है, ये एक आपका सदिश राशि, याद रखिएगा, बहुत अच्छा। ओके 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 सर, बिल्कुल। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर या फिर एंड्रॉयड या फिर एंड्रॉयड बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर या फिर थर्मोमीटर, तो दाब के मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है आप लोग बता सकते हैं, तो जल्दी से टिक कर दीजिए, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, क्या हो जाएगा, लगा दो यार अपनी तरफ से भी तो 200 करो यार, इतनी भी नहीं आप लोग भी कुछ इतना बात को नहीं अमल कर रहे हो, सर जी के बातों को तो अमल करो, सर जी के बातों को तो अमल करो जरा सा यार, कि सर जी किस सिचुएशन में चल रहे हैं, आप लोग मोटिवेट करो, आप लोग को तो अगर एक अगर डिसलाइक करते हैं तो आप लोग को तो 10 लोग को तो लाइक करके सर जी को मोटिवेट करके रखना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी उसी में छोड़ देते हैं, सुनो तुम भी। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का, एंड्रॉयड बैरोमीटर का, हाइग्रोमीटर का, थर्मोमीटर का, 48 का जो जवाब दिया बिल्कुल बी को टिक कर सकते हैं, हो जाएगा बैरोमीटर का। तो दाब के मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो गाइस बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपने सही से जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जो लोग लास्ट में जुड़ रहे हो ना, बहुत गलती कर रहे हो आप लोग, अपने लाइफ को बहुत टफ बना रहे हो आप लोग, मैं कहता हूँ कि अपनी क्लासेस को सुबह के 9 बजे से आ जाए, 10 बजे स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे क्या रे मानम का है यही हुई भले। देखिए स्वर मापी के आपको बताएं, स्वर मापी के तार की लंबाई बढ़ने से उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है, नहीं बदलती है, घटती है, कभी बढ़ती है और कभी घटती है, आप लोग बताना जल्दी से क्या हो जाएगा, लगाना मेरे प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा। चलेगा, डेली अपनी क्लासेस को आइए, डेली अपने क्लासेस को ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो अगर हमको भी बता देना कि यस सर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है एक बार मेरे को कन्फर्म जरूर कर देना अगर जुड़ना है तो, टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे देता हूँ। देखिए स्वर मापी के तार की लंबाई बढ़ने से उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसकी आवृत्ति होगी, 49 का बिल्कुल आप सी को टिक कर सकते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सर आप कब आ रहे हैं, आ जाऊंगा। यदि एक डोरी की कंपन आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो डोरी में तनाव आधा दुगुना तिगुना चौगुना क्या हो जाएगा, आंसर बताना 50 नंबर का, आंसर बताना 50 का आप लोग क्या आंसर देंगे, यदि एक डोरी की कंपन आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो डोरी में तनाव क्या होगा, आधा दुगुना तिगुना चौगुना आप बताना क्या हो जाएगा, आंसर देना बस आप लोग एकदम शेयर कर दो जितना हो सकेगा, यहां से भी अगर 200 टारगेट लगा दे तो बढ़िया लगता है, अगर यहां से भी 200 बच्चे को बुला लेते हैं बड़ी दिल खुशी होगी। अरे अरे अभी ये कैसे हो गया भाई, लाइक भी खींचता है क्या बे तुम सब, मुझे तो लगता है इसमें से 2-4 लोग है लाइक दबा के लाइक खींच लिया भाई आप लोग, जो हमारे जूनियर स्टूडेंट हैं दुखी मत मानना, मैं उनको कह रहा हूँ जो लाइक लगा के खींच रहा है उसको कह रहा हूँ कोई बात नहीं, यदि एक डोरी की कंपन आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो डोरी की तनाव क्या होगा, आधा दुगुना तिगुना चौगुना, गाइस आपने जवाब जो दिया बिल्कुल आप टिक कर सकते हैं काफी अच्छे तरीके से, 50 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौगुना, याद रखना बहुत अच्छा। नेक्स्ट बताना गाइस, आज हम लोग का जो शाम को क्लासेज है 7 से 8 बजे रात को, वो काफी जबरदस्त है,
यही पे होगी, YouTube पे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना होगा साथ ही साथ, ये नहीं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि ऐसी डेली क्लासेस आपको मिलती है लेटेस्ट। और आज के सवाल जितने भी है ना, इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, है ना, इसे रिवीजन आप लोग जरूर कर लेना, बहुत जरूरी है रिवीजन करना आप सभी को, ठीक है ना। चलिएगा आधा घंटा, आधा घंटा अभी क्लास कहाँ जाएगा की? महेश के देले बने व्हाट्सएप, बस हम एगो 444 का बस वही पूछला ना ना। सात सौ का हिल रहे, 444 रुपए का हिल रहे। वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की, मुनावीर फोन कर लेना, मुनावीर वो जो सब बता दिए, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है? आपने गए जो जवाब दिया बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, 51 का ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक तरंगे हो जाएगा, बिल्कुल आपने टिक कर दिया, काफी अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया सबको। मैं लिंक दे देता हूँ, हैप्पी बर्थडे रविचंद्र भाई, गुड ब्लेस यू। अच्छा हैप्पी बर्थडे रविचंद्र जी, पिन कर दिया भैया, देखिए आपके कमेंट बॉक्स के नीचे मैं पिन कर दिया हूँ, आप लोग जाके चेक नाउ कर सकते हो, आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है ना, देख सकते हो, तो ठीक है। चलो चलो ठीक है, तब लाइक में तक आप लोग तकदील कह रहा हूँ, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बस मिलते हैं हम लोग अब कल के क्लासेस में, कल के वीडियोस में, और सॉरी आज के वीडियो 11 बजे अकेडमी पे, 11 से 12 बजे अकेडमी पे क्लास है, ठीक है। तो और उसके बाद 5 से 6 बजे है, उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट जो यूट्यूब पे जो क्लासेज है वो 7 से 8 बजे है, वो 7 से 8 बजे वाली क्लास यूट्यूब पर काफ़ी ज़बरदस्त होगी, काफ़ी अच्छी मुकाबला होने वाली है, तो उसे आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी बेस्ट है क्लासेज आप सभी के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो हम सभी को बताना होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दिया, आप लोग जाके ज्वाइन भी हो सकते हो, आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइए, आराम से पढ़ाई करिए, कोई चिंता करने की बात नहीं, बहुत ही कम बच्चों का वहाँ पे सीट बचा होगा, ठीक है ना, तो आप लोग जाइए ज्वाइन कर लीजिए आराम से, एकदम तैयारी पे लग जाइए, ठीक है। हाँ लेकिन अपने क्लासेस को डेली आना है एकदम, और सब लोग को नेवी एमआर वाला फॉर्म डाल देना है, जितना भी हो सके लगा देना है, ठीक है। तो अब 16 ये अगर है तो यार इसे लाइक कर दे भाई, कर दे कर दे कर दे, अगर है तो सुन रहे कानों तक, तो नहीं तो पक्का तो एग्जाम में 0.25 से रहेगा, ध्यान रखना 0.25 से रहेगा, जो कि मैं ही पास कराऊंगा फिर। चल भाई ठीक है, मिलते हैं, राम राम, राम राम भाई, थैंक यू।